नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्वप्न लोक की दुनिया से लेके आए हैं, यदि आप सपने में बालक देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अक्सर हम रात में सपने देखते हैं, सपने में जो हमारे भविष्य में होने वाले संबंधित होते हैं। ऐसा ही एक सपना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वह है सपने में पालक को देखना कैसा होता है। पालक, जिसे वास्तविक जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका हरा रंग हमें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। पालक ही नहीं बल्कि सारी हरी सब्जियां, जो देखने में हमारे मन को तो भाती ही है, उतनी ही यह सब्जियां स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सपने की ओर। सपने में पालक देखना एक अच्छा सपना होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना आने वाले समय में अच्छे स्वास्थ्य समस्याओं के समाप्त होने और किसी प्रकार के लाभ की ओर संकेत करता है। और यह सपना यदि कोई देखे तो संतान की प्राप्ति तथा अगर प्रेग्नेंट लेडी ऐसा सपना देखती है तो पुत्र प्राप्ति का सूचक होता है। वहीं दोस्तों, यदि आप सपने में देख रहे हैं कि आप पालक धो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में अपने आप को पालक धोते हुए देखना अच्छे स्वास्थ्य और रोगी व्यक्ति के लिए रोग के ठीक होने का प्रतीक होता है। वहीं दोस्तों, यदि आप सपने में देख रहे हैं कि आप पालक की सब्जी देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पालक की सब्जी देखना या अपने आप को पालक पकाते हुए देखना भविष्य में किसी समाचार के आने और कार्य में सफलता मिलने तथा खुशी और स्वास्थ्य अच्छा होने की ओर संकेत देता है। वहीं दोस्तों, यदि आप सपने में पालक खाते हुए खुद को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने आप को कच्चा पालक खाते हुए देखना बताता है कि आप जीवन के किसी अच्छे विकास के समय में हैं, जो आगे चलकर आपको सफलता देगी। साथ ही यह सपना यह भी बताता है कि आप किसी कार्य को करने में जल्दबाजी कर रहे हैं। सपने में अपने आप को पका हुआ पालक खाते हुए देखना बताता है कि भविष्य में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और यह सपना आर्थिक स्थिति से मजबूत होने की ओर भी इशारा करता है। सपने में अपने आप को सड़ा हुआ पालक खाते हुए देखना भविष्य में आत्मविश्वास के कमी होने की ओर इशारा करता है और अच्छे अवसर हाथ से निकल जाने की ओर संकेत देता है। वहीं दोस्तों, यदि आप सपने में किसी और व्यक्ति को पालक खाते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी और व्यक्ति को पालक खाते हुए देखना आगे आने वाले समय में पारिवारिक या परिचितों से किसी के स्वस्थ होने की ओर इशारा करता है। वहीं दोस्तों, यदि आप गंदा पालक देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में गंदा या मिट्टी से लगा हुआ पालक देखना परेशानी और स्वास्थ्य खराब होने की ओर इशारा करता है। यह सपना बताता है कि आपको अपने खान पान को ठीक करना चाहिए, जो कि ठीक नहीं है, ऐसा संकेत देता है। यह सपना देखने पर आपको अपने खान पान में सुधार करना चाहिए। वहीं दोस्तों, यदि आप सपने में पालक खरीदते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने आप को पालक खरीदते हुए देखना किसी शुभ समाचार के आने और अपने या परिवार में किसी के स्वस्थ होने का प्रतीक होता है। वहीं दोस्तों, यदि आप सपने में पालक बेचते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने आप को पालक बेचते हुए देखना आने वाले समय में किसी की हेल्प करने मिलने और किसी कार्य में सफल होने का सूचक होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सपने में पालक का दिखना आर्थिक सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति और धन के बारे में यह सपना बताता है। जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और अपने खान पान पर लापरवाही कर रहे होते हैं, तब आपको पालक का सपना आ सकता है। इस किस्म का पालक का सपना यदि आए तो आपके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर इशारा करता है।
ये सपना देखने पर आपको अपने कार्यों को अच्छे से करना चाहिए ताकि आप अच्छा लाभ प्राप्त करें। और यदि इसके नेगेटिव इफेक्ट वाले सपने आप देखते हैं तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये दोस्तों, यह था सपने में पालक देखने का मतलब। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।